कोई भी उल्लू बना के जा सकता है, तो तुम लोग कोई बहुत बड़ा देखो मम्मा एक बना के निकाल चलेगा आप सब कैसे तबियत। तो ये व्लॉग में बनाना नहीं चाह रही थी पर बना लिया अभी के चलो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। घर वालों से पूछते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, वो आप लोगों ने इस माह की व्लॉग अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लेकिन जो स्कैम मेरे साथ है बहुत ही बुरा स्कैम हुआ है, मतलब इतना साफ दिल होना नहीं चाहिए। ऐसा क्या हो गया? कोई नहीं, जो स्कैम हुआ है मेरे साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ थोड़ी देर में। पहले हम सबसे जान लेते हैं कि उन लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान जीतेगा इंडिया जीतेगा। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बहुत क्रेज होता है यार। पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। मुझे पता है कि तू नहीं जीतेगा लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि तू जीतेगा। अल्लाह खैर करे। बाकी जो परफॉर्मेंस चल रही है पिछले मैचेस में उससे तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तानियों को, लेकिन लेट्स सी, फिर भी देखेंगे भाई मुल्क है। तो इस मतलब पूछते हैं क्या लगता है, वासी से पूछते हैं, अगर वासी उठा हुआ है तो मॉम से भी पूछते हैं। पापा गए हैं बाहर, पता नहीं अपने दोस्तों के साथ दिखेंगे या आ जाएंगे, दिखते। तो मैंने जो है ये पैकेज ले लिया था, हमारे में जो है क्रिकेट का ऑप्शन नहीं है। और ये जो है 6:30 पे देख सकते हैं आप लोग, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है ना 6:30 पर होगा। और अभी जो है 40-30 मिनट्स हैं तो सारी तैयारियां तो हैं यहाँ पर। मैं इनका होल मेरे को बड़ा मस्त, संदी ने मुझको उल्लू बनाया है बट ठीक है। तो इससे पहले पूछते हैं इसमें क्या लगता है, पाकिस्तान जीतेगा इंडिया जीतेगा? इंडिया। ये जो इतना तैयार हुई है ना, ये मुझको उल्लू बनाने के लिए तैयार हुई थी। तो ये पकड़ो जरा, ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके और मेरे साथ खेल के अपना एक वे का टिकट बना निकलवा लिया है नेपाल का। और ये नेपाल जा रही है, ये नेपाल जा रही है, ये बले बले कोई वो नहीं है कि एग्जाम्स हैं कुछ है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस फकीरी को, ठीक है। और इसने मेरे 1500 नहीं दिए अब। एनीवेज तो तुम्हें क्या बोल रही थी, पाकिस्तान जीतेगा इंडिया जीतेगा? इंडिया इंडिया। यस नो हेट भाई, ओ भाई मैं पाकिस्तान, दिलचस्प पाकिस्तान, लेकिन हमारी टीम हो गई है। अपने व्लॉग में से बोला था जय हिंद ऐसे बोल रही थी। मामा मामा एक सेकंड बाहर आइएगा, बुलाया मैंने, थक चुकी है मुझको, लेकिन कोई नहीं चलो। क्या हो गया है आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? अभी मेरे साथ स्कैम हो गया है। कैसे? मुझे ठग लिया मम्मी, मुझे ठग लिया। क्रिकेट का नहीं, आपकी बेटी, मेरी बेटी, आपकी बेटी ने मुझे ठग लिया। कैसे? इज्मा ने। कैसे? आप खुद अंदाजा लगाएं, आपको तो पता है क्या उसकी रग रग से वाकिफ है। मैं उसके रग रग से वाकिफ, उसे खाने के लिए कुछ मंगवाया, पेमेंट तुम्हें करनी पड़ी। क्या क्या तुमने इसके साथ ठग लिया? देखा बोला था। हाँ तबियत की सीधी, ठीक है ना, इसको तो कोई भी उल्लू बना के जा सकता है, तो तुम लोग कोई बहुत बड़ा देखो मम्मा एक बना के निकाल चलेगा, ये इज्जत की बेइज्जती थी। देखो मम्मी आयुष के लिए क्या बोल रही है, पूछो तो इससे क्या किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब ना नेल लगाने आई थी, टूट गया था। टिकटॉक बनाया, ठीक है, उसके बाद ड्रामा करके मुझे बोलती है तुम्हारा ब्लाइंड फोल्ड मेकअप करूंगी। फिर मैं बैठ गई, पूरा मेकअप वेकअप उतार के, फिर बोलती नहीं मैं तुम्हारा अच्छा वाला मेकअप करूंगी। फिर बोलती है मेरा दिल नहीं चाह रहा, आओ बातें करते ना, आओ बातें करते ना। उसके बाद मुझे बोलती है कि क्या घोड़ी बन गई है, घोड़ी बन गई अच्छा। आपने मुझे इतना सीधा क्यों वो किया मम्मी, ये ऐसे लोग मेरे लिए अच्छे नहीं है। वैसे अलीजिया को जो मेकअप करोगी ना तुम, मैं सब तो हो गई क्या मम्मी, सुन तो लो ना मेरी बात, इसने क्या किया मेरे साथ, चीखना नहीं ऊंची आवाज में बिल्कुल, फिर इसने
ने मुझे बोला कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो रहा है, आज आप शर्ट लगाते ना, तो मैंने बोला अच्छा सही है शर्ट लगाते ना, बोलती है इंडिया जीतेगा, अब तू क्या लेगी, पाकिस्तान ही लेगी तू ना, तो मैं बोला हाँ पाकिस्तान जीतेगा, तो फिर बोलती है कि 500 धर्म देगी तुम मुझे ना, तो मैंने बोला मेरे 1500 तुमने अभी तक नहीं दिए तो क्या 500 दू ना, तो उसके बाद बोलती है अच्छा सही, मैंने बोला खाने का भी मत करना डाइटिंग कर रहे ना, बोलती है अच्छा ठीक है, उसके बाद सोचो उससे क्या बुलाऊंगा मम्मी, जो कर्जे के 5-1500 है वो 500 से काट, ये ऐसी तो है ये औरत, लेकिन इससे भी घिनौनी हरकत की इसने। खुश हो ना कहा ठीक है शर्ट अनुसार, ठीक है कि देखो मेरा बच्चा भी, और देखो शर्ट क्या थी मम्मी के जीतेगा, तो इसने ऐसे ऐसे मुझको मैनिपुलेट किया कि बोलती है कुछ भी हो, मैंने मम्मा पहले से ही प्लान कर रही है सब कुछ, देखो मैं कब से कह रही थी मुझे लेके जाओ, इससे क्या बोलती है नेपाल जाने का टिकट दे दे खत्म, तो दे दे ना चाहिए दे दे ना, ओके गाइस अभी हम आगे तो बैठ गए हैं और अभी टॉस हुआ नहीं है, अभी टॉस होगा, टॉस होगा वहाँ के सुबह 10:30 AM और अभी आई थिंक वहाँ पे 9:45 कुछ हो रहे हैं, तो अभी 10-15 मिनट में होगा टॉस ना, तो ये देखो यहाँ पे, तो लेट्स सी कौन जीतेगा टॉस, जैसे वैसे जो टॉस जीतता है उसके ज्यादा चांसेस होते हैं मैच जीतने के, लेकिन लेट्स सी कौन टॉस जीतता है। मैंने इस बार से बुलाया कि मेरे लिए चिप्स वगैरह मंगवा दे, क्योंकि मैं अब यहाँ से नहीं हिलने वाली, तो इस बार चिप्स मंगवा रही है और हम इधर बैठे हैं सब, हम तो पूरा इंडियंस लोगों से भरा हुआ है माशाल्लाह, बस एक दो पाकिस्तानी देखने को मिलेंगे, न्यूयॉर्क में दिस इज नाइस कि पाकिस्तानियों ने जो है ना बॉलिंग का पहले वो किया है, बैटिंग का नहीं, तो ये अच्छी बात है क्योंकि इनकी बॉलिंग तो अच्छी है, बैटिंग तो, लेकिन बॉलिंग अगर इन लोग कर रहे हैं तो लेट्स सी, लेकिन शुरू में जो तीन है ना रोहित और कोहली अगर दोनों जम गए तो फिर बहुत मुश्किल होती है, तो लेट्स सी क्या होता है। मम्मी क्या लगते हैं कितना टारगेट देंगे, कमेंट्री कर रही यार, कितना टारगेट, 200 तक देंगे लोग, 200 तक मुझे लगता है कि जाएगा इंडिया का, 200 तक, नहीं 200, मेरा एवरेज है कि 200 से बस 200 या 180 ऐसे देगा इंडिया, क्या कितने बुरे, अमेरिका को नहीं हरा पाए, इंडिया से कैसे जीतेंगे भाई, अफगानिस्तान को भी नहीं हरा, बहुत बुरे हालात भाई, नहीं जीत पाएंगे हम, पता स्टेडियम में आए नहीं ये लोग, यही करेंगे भाई, अमेरिका की न्यू टीम, नहीं नहीं भाई, भाई सुपर ओवर में आमद ने भाई क्या 6 बॉलों को 9 बॉलें कंप्लीट कर दी, उसने वाइड पे वाइड, वाइड पे वाइड, वाइड पे वाइड, अब क्या करेंगे, वो जो मोटा कौन है वो, हाँ उसको निकाल दिया, आज नहीं है वो टीम में भाई, कैसे पहली बॉल पे आउट कर देगी, अजीब वैसे मैंने 30 धर्म का चैनल लिया है, वैसे 30 धर्म सब ये बोले जाया जाएगा, पाकिस्तान ने लेकिन टॉस जीत लिया, हाँ बस वही जीतेगा, ये देखो कितना बुरा है यार, ये लेकर आई है, मुझे पता है ये जूस पीती थी मैं, लेकिन मैं नहीं पीऊंगी, इसके अंदर वो है यार, एक सिर्फ मुझे चिटोस खाना था साथ, ये लोग खाने देंगे हमें, ये देखो अयप्पी वर्सेस द कैट, कैट नंबर 1, कैट नंबर 2, कैट नंबर 3, पीछे वाला क्यों है यार, ओ माय गॉड इतना लाल, ये गलत वाला आ गया, नहीं स्पाइसी वाला है, हां अब लग रहा है कि मैच देख रहे हैं, अब लग रहा है कि मैच हो रहा है, मैच बॉल नहीं मिला, नहीं बॉल नहीं मिला, नहीं नहीं गाइस ये होता है जब आपको पता हो कि आप हारेंगे लेकिन स्टिल स्पिरिट इज जिंदा, पकड़ में ये भी रिटर्न होल्ड के लिए जहाँ पर ये मैच हो रहा है, कहाँ पर हो रहा था मम्मा, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर क्या बोला था पापा ने, कहाँ हो रहा है मैच, न्यूयॉर्क, पर अभी पापा बता के गए, हमारे जहन से निकल गया, कहाँ हो रहा है मैच, वहाँ पे हो रही है बारिश,
तो बारिश की वजह से हो गया है मैच अभी फिलहाल डिले, और डिले हो गया इसका मतलब ये है कि हम वेट ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते, और आई थिंक फिर ये लोग ओवर्स भी कम कर देंगे जो नॉर्मल सी ही बात है। गाइस तो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, ओ माय गॉड, फर्स्ट बॉल कौन करवा रहा है? रोहित, रोहित, ओके। अगर रोहित और विराट जम गए ना, ओ माय गॉड, वही बात जैसे कि रिजवान और बाबर अगर जम गए तो चले तो चांद तक वरना शाम तक। अरे यार मम्मी तू, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ओह माय गॉड, अरे यार शाहीन जो है ना घर जाके अपनी बेगम से भी मार खाएगा और अपने ससुर से भी मार खाएगा। पहला छक्का हो गया रहा रोहित का। मुझे ना मामा मैं नहीं देख रही, कसम से मैं नहीं देख रही, जब भी मैं डिसाइड करती हूँ ना बैठ के देखने का यही होता है पता है। आयुष तो आ गया है ठीक है, लेकिन द थिंग इज मैच जो है अभी टेम्प्ररी क्लोज हो गया बिकॉज ऑफ द बारिश, तो अब मुझे नहीं पता है कि मैच कब स्टार्ट होगा, अल्लाह करीम। लेकिन हमने जो है आयुष की टॉप वन के लिए कुछ सोचा है, मैंने सोचा है कि आयुष के टॉप वन की थोड़ी सी सेलिब्रेशन करेंगे क्योंकि दिस टॉप वन इज पर्सनल, सो आई वाज लाइक चलो इस टॉप वन के लिए छोटी सी सेलिब्रेशन करते हैं बिकॉज गानिंग वगैरह में बिजी हो जाएगा, वो बता रहा था कि लाइफ को तो टाइम नहीं दे पाएगा, तो एक छोटी सी सेलिब्रेशन कर लेते हैं, अल्लाह करे उसको टॉप वन मिल जाए, आई एम होपिंग, आई रियली होप। बाकी जो नसीब में हुआ लेट्स सी, तो आई हैव इन माई माइंड कि मैं छोटा सा केक जो है मंगवाऊंगी और उस पर लिखूंगी मुबारक हो टॉप वन मेरी जान ऐसे करके कुछ, सो लेट्स सी। ये मैच तो अब छोड़ ही दो, खाना खाती हूँ अब मैं और फिर आयुष की लाइफ तो मैं देख ही रही हूँ साथ साथ। हो गया भैया लाइक और विकेट मिलेगा, ये क्या था? ये रिजवान भाई के जो है ना हाथों में जो है ना घी लगी हुई है पता है। छोड़ देते हैं वो बॉल, अब्दुल आजी भी यहाँ पर आ गए, टेंस हो गया अभी ना, अभी स्टार्टिंग ही हुई है, तो मम्मी के भी फोन एक फोन में जो है आयुष खुला हुआ है, ये मैं भी ये रहा और ये रहा। मुझे क्या लगता है कितना स्कोर होगा? 180 ना, मैंने मम्मी ने भी 180 बोला, क्या हो? बस एक बार मेरा रिएक्शन ये नोट हो जाए ना फिर मैं आराम से बैठ कर देखूंगी, आराम से एक आउट वहां से, एक आउट कैमरा ओपन में, बस एक आउट। किसने ली पहले विकेट अली से? नसीम। सौ के नीचे नहीं हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। देखो 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 देखो, ये राउफ यार, हालिस राउफ। ओके गाइस अब सभी आ गए वापस, ठीक है फोटो ओवर चल रहा है, बिस्मिल्लाह। फोर पीछे वाला फोर है ये तो। पुअर डिलीवरी, उसने भी कमेंटेटर ने भी बोल दिया भैया पुअर डिलीवरी है ये तो। पकड़ लो यार, सारे पकड़ा हो गया, एक ये मैच और एक ये मैच। ओवर में तो कुछ कर ले, ये कैच कर ले यार, सारी कैच करवाओगे क्या, थोड़े रन बनाने दो। गाइस चाचा से तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट चाचा बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, मतलब एक दो तीन डॉट बॉल और एक वाइड बॉल दे दी, वाह भैया। आउट,
दिखाओ कहाँ से? आज तुम्हें पहले कैसे पता चला? आज तुम्हें पहले कैसे पता चला? बकवास मत करो, इसको आउट होने से पहले कैसे पता चला कि आउट है? नसीब, ये देखो, मैंने कहा था नसीम से करवाओ बॉलिंग, दो विकेट लिए। ओके गाइस, अब्दुल वासी की प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक हो रही है। कितने 96 पे 7 आउट हो गए। ओ माय गॉड, आ गई इज्मा, देखो यार 96 पे 7 आउट। अब सब में एक्साइटमेंट हो रही है ना। ओके गाइस, अब नसीम आया है। नसीम ने पहली बॉल में डॉट दिया और नसीम के आज तीन माशाल्लाह और तेरा क्रश और 18 रन्स है। ये सब पे क्रश है माशाल्लाह है ना इसमें। देख सकते हो हम लोग बहुत ही स्थिति। लास्ट बॉल क्या लगता है इसमें? देख लो मत, क्या लगता है कितना आउट? कितने आउट क्या लगता है? क्या लगता है? क्या लगता है? मत देखो स्क्रीन को। पांच छह वहां से स्क्रीन देख। क्या हुआ? आउट हो गए। आउट आउट। भाई मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? प्रेडिक्शन मस्त है। मेरा केक का है, केक किसी में रख दिया मैंने। 104 क्या? व्हाट? अब ये बोला मैंने सब कर लिया। ओ भाई कौन सी ले? अब्दुल वासी तुम्हारी प्रिडिक्शन ब्रो मान गए तुमको। मैच भाई मैंने लिखवाया, T20 मेरा है। बस तुमसे मार के बोलता है 100 में सब आउट और ये ही हुआ यार। 100 में सब आउट मतलब 119 पे सब आउट। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? वाओ अब्दुल वासी, हाउ? 119 पे वासी तू इधर आ, तुझे तूने क्या किया है यार? मुझे क्या हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। है नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूँ हो जाएगा, देखो। नहीं हुआ तो तुम मुंडन करवाएगा अपना पूरा, गंजा होगा आपके आपके हाथ से। नहीं नहीं नहीं, पास जा रहे अभी पागल। ओके गाइस, तो आयुष का टॉप वन तो नहीं हुआ, बहुत ही मुश्किल हुआ। बिकॉज टॉप वन जिसने लिया उसका ऑलरेडी प्लान था, उसने 4 लाख 5 लाख की लीड मार दी, तो अब क्या ही बोल सकते हैं नसीब। लेकिन अब मैं लाइव नहीं जाऊँगी ना ही केक लेके जाऊंगी, बिकॉज उसका मूड ऑलरेडी ऑफ है और हो जाएगा। सो कोई नहीं यार, ऐसा है चलने देते हैं। आई थिंक आज हम मैच जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ हार गए। 26 पे एक आउट, बाबर भैया आउट हो गए लेकिन जा नहीं रहे, पता नहीं क्यों। इन्होंने वो मांगी स्क्रीनिंग दे अब्दुल वासी। अब्दुल वासी तो बोल रहा है कि मैं तोड़ दूंगा, सब तोड़ दूंगा। क्या लगता है यार, इतनी टेंशन होती है ना, ये सब चल रहा होता है, ये मैच है तो मैं तो इतनी लेने कहां से मिलने लगी। अब्दुल वासी पहले देखा करते, छोटे आदमी। आउट आउट 26 पे 1 आउट, बाबर भैया गए। ओके गाइस, तब भी ऐसा सीन है कि भाई अब हम घर वाले सब जो है ना साथ बैठे हुए, इज्मा मम्मी मैं ये पापा भी है, उन्होंने चड्डा पहना हुआ है वहां से आयुष की तरह, तो उनको ही दिखाऊंगी। तो अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। आपको क्या लगता है अब्दुल वासी? मुझे लगता है कि पाकिस्तान जीत जाएगा और मतलब हमारे दो प्लेयर्स तक आउट, दो तीन आउट प्लेयर्स आउट होंगे और हम जीत जाएंगे। मतलब यू आर सेइंग तीन प्लेयर्स आउट एट 120? हां इजी, एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ ज्यादा। इस बार तुम बताओ ना। आई डोंट नो, मैं तो जो जीता उधर जो जीता मैं उसकी, वो है ना मुंबई की ना दिल्ली वालों की इज्मा है वालों की, वही बात है। लेट्स होप, लेट्स होप। सो गाइस, अभी यहाँ पे ना चल रहा है कि आउट होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ पे पूरा जो है ना वो चल रहा है। क्या लगता है रिजवान के लिए ना? रिजवान के लिए आउट, नॉट आउट। शिट 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 शिट, फखर इज गॉन, फखर इज गॉन। लेकिन फखर ने 13 रन बनाए एंड ही इज गॉन। हार्दिक ने लिए इसकी विकेट।
यार टीवी के बिल्कुल ही पास आ गए ना। ओके गाइस भाई चुपचाप खाना निकाल रही हूँ अपना, और आज तो भाई आयुष का भी मूड ऑफ है, मेरा भी मूड ऑफ है, सबका ही मूड ऑफ है। क्यों? मेरी आयुष से बात हुई, मैंने आयुष को बोला ना कि मैं आपके लिए केक लाई थी, लेकिन आयुष सो गया। पता है जब वो गुस्से में होता है ना वो किसी से बात नहीं करता, क्योंकि उसका क्या है ना कि उसको ये होता है कि कहीं गुस्से में मैं कुछ ओल फुल ना बोल लूँ, फिर जब सुबह ठीक हो जाएगा तो सुबह कर लेंगे बात मस्त। कोई नहीं, ओह ब्राउन ब्रेड खाना निकालिए, अपना अपना खाना खाऊंगी मस्त। क्या हुआ? बोला इंडिया विन दिस नाउ। कैसे? अंडर प्रेशर आ गए यार हम लोग तो, बहुत बुरा हो गया हमारे साथ। ऐसे पोर्ट पोस्ट डिप्रेशन में चाक चाहते हुए देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल मुमताज बेकम बन चुका है। और आउट, एक और आउट हो गई, लड़ाई हो गई यहाँ पे गाइस। इट्स ओवर, वी कैन नॉट विन। फोर बॉल्स पे 18 रन्स, सॉरी कितने रन्स? अगर वास्ते आप झूठ बोले ना इसको मैं अपने ड्रेस में रख के लचूंगा। देख आउट नहीं हुआ, देखो देखो वास्ते मैं इतना मारूंगी ना। -10 फिर वापसी -6 होता है 4, फिर -4 होता है 0। रुको कुछ नहीं, आज केक खाएगी तू, टीवी का केक खाएगी, केक खाएगी तू, हमारी हार है, हार का केक तो खा ले। 2 छक्के 1 चौका आज ना आयुष की जीत देख पाई ना इधर की जीत देख पाई। मैं तो इंडिया के साइड ही, तू तू कहाँ भाग रही है केक लेने आ रही है ना, देखा मेरे को पता था इतनी बड़ी बेकार मद्रासन आई, पकड़ इसको। क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, 4 से क्या बिगाड़ लेंगे, बकवास, 4 से क्या ही होगा, पकड़ ले। व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल दे दो, हार गए, हार गए पी। पता था मम्मी जहर ला दे, मुझे तो चाहिए नहीं था ना, क्यों रो रहा है तेरा? आ किधर गया है वासे? यार फिर भी देश के लिए तो होता है यार, ये लो ये अपनी पक्की इंडियन फूस खोदम। कैसे केक पकड़ के लाई ना अम्मी को, देखो इंडिया भाई है, इंडिया भाई है। हम लोग तो डूब गए, हम लोग वैसे ही चांद पे, कोई बल्ला मुझे वापस इंडिया के साथ एक होना है, पार्टीशन वापस खत्म करो यार, खास उस वाली ट्रेन में घुस जाते हैं, क्यों घुस गए? चलो आप खाते से रो रहे हैं, लड़कों का यही है यार, होता है लड़कों का क्रिकेट को लेके बेचारा रो रहा है। इंडिया वर्ल्ड कप हारा था लास्ट टाइम, सॉरी मैं जीता वर्ल्ड कप के फाइनल हारा था, बहुत रोए थे यार इंडियंस। कब भाग गया वास्ते के काले अपनी हार का, मुबारक हो भाई, इंडिया भाई है यार, क्या हो गया वासे?
भाई आज के लिए इतना हार्ट ब्रेक काफी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये व्लॉग बना के जाए ना, मतलब आप लोगों को, मतलब यूट्यूब थोड़ा सा एक्टिव कर लिया जाए अपना, क्योंकि 7 लाख जल्दी करने, ठीक है। सो लव यू ऑल सो मच, कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, बहुत अच्छा प्ले किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा पाकिस्तानियों ने भी प्ले किया, लेकिन कोई बात नहीं, नसीब नसीब की बात होती है। मेक श्योर टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, आई लव यू ऑल सो मच, बाय गाइस, बाय बाय। मैंने वैसे मैच नहीं देखा था, मैं पहले देखा करती थी, अभी नहीं देखती यार, वैसे ही बहुत बिजी रहते हैं। और ये जब मैच चलता है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या कुछ भी, हम तो सारे ही देखते थे, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का नेक्स्ट लेवल का क्रेज होता है, पटाखे वटाखे फूटते हैं जो भी टीम जीतती है उसके उधर ना, बहुत ऐसे होता है। बट मैंने वैसे तो मैच नहीं देखा, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैंने पूरा मैच देखा, रिएक्शन भी देखा, जब इंडिया की विकेट पड़ गई तो कैसे सेलिब्रेशन होता है, हम इतना नहीं करते थे, विकेट पड़ गई वाओ नाइस, बस इतना ही, बिकॉज इतना ज्यादा नहीं होता था हमारे। बट यार क्या बोलू यार, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, और मजा आ गया। लेकिन ये व्लॉग देख के मजा आ गया, और इससे एक बात सामने आई कि इस्मा के व्लॉग में कुछ तो हुआ है, तो इस्मा का व्लॉग मैं देखने वाली हूँ शाम में डालूंगी, तो वो भी आप देखिएगा। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, इफ यू डू देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।